फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल एडुकेशन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ IBPS क्लर्क के इंपॉर्टेंट 5 नंबर का एक क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। जिन भी कैंडिडेट्स ने IBPS क्लर्क का फॉर्म फिलअप किया था एंड जिन भी कैंडिडेट्स का दिसंबर के मंथ में IBPS क्लर्क का एग्जाम है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IBPS क्लर्क के एग्जाम में पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आने वाले दिनों में जिनका भी IBPS क्लर्क का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी हद तक संभावना होती है। तो IBPS क्लर्क में रीजनिंग के 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएँ। IBPS क्लर्क में 5-5 मार्क्स के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का सेट होता है, इनकी प्रिपरेशन करने से रीजनिंग का अच्छा स्कोर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप भी IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन कैंडिडेट्स का दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम है, बहुत से कम दिन बचे हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो के साथ रीजनिंग का यही क्वेश्चन, 5 मार्क्स का सेट ऑफ 5 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वही शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। एंड इससे पहले मैंने 18 नवंबर को अपने इस चैनल पर, ओरिजिनल एडुकेशन चैनल पर, एक एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड रीजनिंग का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था वो भी अपलोड किया था। एंड उससे पहले 11 नवंबर को मैंने पजल रिलेटेड क्वेश्चन अपनी इस चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि IBPS क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी शेयर किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने 5 मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। काफ़ी कम दिन बचे हैं IBPS क्लर्क के रीजनिंग के एग्ज़ाम में। अगर आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया तो प्लीज़ विजिट कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। जितने भी आपके सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ कर लीजिए, ओरिजिनल एडुकेशन चैनल, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। इस तरह से रीजनिंग का आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। दी फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑफ दी फॉलोइंग सेट ऑफ 5 नंबर्स, यानी कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं वो सेट ऑफ 5 नंबर पर बेस्ड हैं। इतना आपको समझ में आ गया। एंड देन आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन यानी कि नंबर्स दिए जाएंगे, 6, 7, 8 एंड देन 7, 8, 6, उसके बाद 8, 3, 7, 3, 8, 5 एंड 4, 8, 3। ये पूरी आपको नंबर्स का 5 नंबर्स दिए जाएंगे एंड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से 4 और क्वेश्चन आगे बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। रीजनिंग है, अगर आपको समझ में आ गई तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि कितने नंबर्स इन 5 नंबर्स में से 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो आपको बताना है। यानी कि बस इतना सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चंस में बस इतना है कि आपको बताना है कि क्या 6, 7, 8, 3 से डिवाइड होता है, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2, 2, 9 पर होता है एंड 7, 8, 6 होता है, 2, 9, 2 पर होता है ये भी। उसके बाद 8, 3, 7 होता है, जी हाँ 3 से डिवाइड होता है, 2, 7, 9 पर होता है ये भी। एंड उसके बाद आप 3, 8, 5 को भी डिवाइड करके देख लीजिए, 3, 2 जा एंड उसके बाद 2 जा 6 एंड 25, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, रॉन्ग है। एंड उसके बाद 4, 8, 3 आपका होता है 1, 9, 1 पर। तो ईज़िली आपको पता चल गया कि कितने इसमें 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ 4 नंबर्स आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड। तो ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा कितने नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 1, 2, 0, नन ऑफ दिस या फिर 4। तो आप क्लियरली शो कर सकते हैं कि 4 नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 3 से। इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। आई होप जस्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि वही नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 6, 7, 8, 7, 8, 6, 8, 3, 7, 3, 8, 5 एंड 4, 8, 3, हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, यानी कि इन नंबर्स के सेट में से कितने नंबर्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्लियरली 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि
कितने नंबर्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं. 6 7 8 होता है 8 से डिवाइड? नहीं होता. 7 8 6 7 8 6 7 9 जो 72, एंड उसके बाद 66, नहीं ये भी नहीं होगा. एंड 8 3 7 8 से 8 10 जो 80 37, नहीं ये भी नहीं होगा. एंड 3 8 5 को भी आप कर देख सकते हैं. 8 4 जो 32, एंड उसके बाद 65, नहीं ये भी नहीं होगा. एंड 4 8 3 को भी आप कर देख सकते हैं 48. 8 6 जो 48, एंड 3 बचा वो कहाँ जाएगा? नहीं ये भी नहीं होगा. तो कोई भी, नन ऑफ दिस. इसका आंसर है नन ऑफ दिस, यानी कि इस पूरी सीरीज़ में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 से डिवाइड हो रहा है. क्लियर है वाला क्वेश्चन? नन ऑफ दिस या फिर ज़ीरो, जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उस पर राइट कर दीजिएगा. इस पूरी सीरीज़ में ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 8 से डिविजिबल हो रहा है. आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इजी थे. इसके बाद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी मिलेगा इसमें. यहाँ पर इसमें कहा गया है कि 6 7 8 7 8 6 8 3 7, क्वेश्चन नंबर 3 है ये. एंड 3 8 5 एंड 4 8 3, ये आपको 5 नंबर्स दिए गए हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है. इफ़ द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स आर रिवर्स्ड, यानी कि ये जो डिजिट आपको दी गई हैं, डिजिट आपको दी गई हैं, उसको रिवर्स्ड कर दिया जाए. एंड द नंबर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर से नंबर को अरेंज किया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से लेकर बड़ा, लेफ्ट से छोटा स्टार्ट करेंगे एंड देन लास्ट में आपका राइट पे बड़ा होता जाएगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम एट द फोर्थ पोजिशन ऑफ लेफ्ट, यानी कि कौन सा नंबर फोर्थ पोजीशन पर लेफ्ट पर आ रहा है, इतना आपको बताना है. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. रीजनिंग है तो ऑब्वियसली आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा. क्वेश्चन ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होता है, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्लर्क में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे. यहाँ पर इसमें कहा गया है कि अगर सीरीज़ को रिवर्स्ड कर दिया जाए. ओके, आपकी सीरीज़ दी गई है, यानी कि आप इस सीरीज़ को ध्यान से देख लीजिए. 6 7 8 है तो हम उल्टा चलेंगे रिवर्स. 8 7 6, 7 8 6 है तो 6 8 7, एंड 8 3 7 है तो 7 3 8, एंड 3 8 5 है तो 5 8 3, एंड 4 8 3 है तो 3 8 4. क्लियर है इतना आपको रिवर्स करने पर? यहाँ पर मैं आपको ये पूरी सीरीज़ को रिवर्स करके दिखा रही हूँ. यहाँ पर पहले आप रिवर्स कर दीजिए एंड उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है. पहले हम रिवर्स कर लेते हैं इसको एंड उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड रीजनिंग से IBPS से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, पज़ल, फ्लोर बेस्ड पज़ल एंड एलिमेंट सीरीज़, वो भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिए. जल्दी जल्दी विजिट कीजिए मेरे चैनल पर. IBPS क्लर्क में अच्छा स्कोर करना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपनी इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, बाकी आप गूगल पर चेकआउट करके इन क्वेश्चंस का पूरा सेट निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिए. बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एंड अच्छे से आप स्कोर भी कर पाएंगे. इस क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले सीरीज़ को आप रिवर्स कर दीजिए. रिवर्स मैंने जैसे लिखा था मैंने उसका उल्टा लिख दिया, ठीक है. उल्टा लिखने के बाद इसमें कहा गया था कि इस सीरीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से लेकर बड़ा होना चाहिए, उसमें आप इसको बना लीजिए लेफ़्ट टू राइट से, यानी कि लेफ़्ट पर छोटा आना चाहिए और जैसे छोटे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये सेट होना चाहिए. इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो पहले इन डिजिट्स में आप देख लीजिए कौन सबसे छोटा है, 3 8 4, उसके बाद 3 8 4 से कौन बड़ा है, 5 8 3, ओके. एंड उसके बाद कौन सा बड़ा है, 6 8 7, ओके. एंड उसके बाद 7 3 8, ये बड़ा है. एंड उसके बाद 8 7 6, ये बड़ा है. तो इसमें कहा गया था कि लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पर आपका कौन सा नंबर आ रहा है, ये कहा गया था. तो लेफ़्ट आपका लेफ्ट हैंड, यहाँ से ये थर्ड नंबर आ रहे हैं, फोर्थ नंबर पर ये आ रहे हैं. राइट से कहा गया होता तो आप ये स्टार्ट कर लीजिए, कर लेते.
तो ये नहीं कहा गया, आपको लेफ्ट से कहा गया 7 3 8। आई जस्ट होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। पहले रिवर्स कीजिए, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कीजिए, फिर लेफ्ट से लेकर फोर्थ तक कौन सा आ रहा है वो आपको चूज़ करना है। 7 3 8, क्लियर है वाला क्वेश्चन? आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए 3 8 4, एंड देन उसके बाद 5 8 3, एंड देन उसके बाद आप सेट कर लीजिए 6 8 7। छोटे से लेकर बड़ा आपको ढूंढना है 7 3 8, एंड उसके बाद 8 7 6। लेफ्ट से आपका फोर्थ नंबर पर 7 3 8 नंबर आ रहा है। क्लियर है वाला क्वेश्चन? आई जस्ट होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। पहले रिवर्स कीजिए, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, फिर लेफ्ट से लेकर फोर्थ नंबर पर कौन सी डिजिट आ रही है वो आपको चूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको इजीली दिए जाएंगे, एंड थर्ड एंड फोर्थ में आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस दिया जाएगा ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, रीजनिंग है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड क्लियर हो जाएंगे आप। यहाँ पर डिजिट दी गई है फोर्थ क्वेश्चन में 6 7 8 7 8 6 8 3 7 3 8 5 एंड 4 8 3। ऑल दी नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि कहा गया है कि ऑल दी नंबर्स इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर दें, यानी कि इस पहले सबसे छोटा उसमें रिवर्स कर, पहले वाले क्वेश्चन में आपने रिवर्स करके फिर छोटे से बड़ा किया था, इसमें अभी ये जो सीरीज दी गई है इसी में आप छोटे से बड़ा कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर, एंड देन 50 इज एडेड टू द नंबर एट द ऑड पोजीशन। उसके बाद छोटे से बड़ा सेट कर दिया ऑड पोजीशन पर 1 3 5 7, जो ऑड पोजीशंस होती हैं उसमें 50 ऐड करना है, एंड 50 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स एट द इवन पोजीशन, एंड इवन पोजीशन पर 2 4 6 8, जो इवन पोजीशंस होती हैं उसमें 50 माइनस करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट नंबर आफ्टर सच ऑपरेशन। उसके बाद आपको देखना है कि थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एंड उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पर ईजी है क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले यहाँ पर कहा गया है कि आप सेट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप सेट कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो भी आपको सीरीज दी गई है उस क्वेश्चन को आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए। पहले असेंडिंग ऑर्डर 3 8 5, एंड उसके बाद पूरी सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर छोटे से लेकर बड़ा हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए 7 8 6, एंड उसके बाद 8 3 7, यही सीरीज थी आपकी, ये सीरीज थी असेंडिंग ऑर्डर में। हमने पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको पूरा सेट कर दिया है। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कि जो भी ऑड पोजीशन पर है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनमें आप 50 ऐड करेंगी, एंड जो भी इवन पोजीशन पर है, ये जैसे इवन पोजीशन पर है 7 8 6 एंड 4 8 3, इनमें आप 50 माइनस करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो भी ऑड पोजीशन पर है उनमें आप 50 ऐड एंड 50 माइनस करेंगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में आपने, यहाँ पर मैंने पूरा रिमूव कर दिया है क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है आपको दिखाने के लिए। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, उसके बाद 50 ऑड पोजीशन में ऐड करना है। ओके, 3 8 5 था हमारा, यहाँ पर 3 8 5 था, तो इसमें हमने ऑड पोजीशन पर 1 था, 50 ऐड किया, तो हमारा आ जाएगा 4 3 5। नेक्स्ट था हमारा 4 8 3, तो अगर हमें इसमें इवन पोजीशन पर है, सेकंड पर है, 50 माइनस करना है, तो 4 3 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 7 8, ये ऑड पोजीशन पर है, इसमें 50 ऐड करना है, तो 7 2 8 आ जाएगा। क्लियर है?
एंड फोर्थ वाला है 786, 786, इसमें 50 माइनस करना है तो 736 आ जाएगा। एंड उसके बाद एक और बचा है हमारा 837, 837, इस ये फिफ्थ नंबर पर है, इसमें 50 आपको प्लस करना है। अगर आप इसमें 50 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 887। तो ये ऑपरेशन हमने कर लिया है, जो भी क्वेश्चन में कहा गया था पहले असेंडिंग ऑर्डर में इनको हमने सेट कर दिया, उसके बाद जो भी ऑड पोजीशन में थे उनमें 50 ऐड कर लिया एंड जो भी इवन पोजीशन में थे उनमें से हमने 50 माइनस कर दिया। ये पूरा अपने हमने ऑपरेशन कर लिया एंड उसके बाद हमसे कहा जा रहा है थर्ड लार्जेस्ट नंबर आपका चूज़ करना है। तो थर्ड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट 887 है एंड उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट आ रहा है आपका 736, ओके, एंड उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट आ रहा है आपका 728। तो राइट ऑप्शन इज़ थर्ड लार्जेस्ट 728। लेफ्ट एंड राइट पोजीशन इसमें कुछ दी नहीं गई है, सिर्फ पूछा गया है कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर यानी कि पहले सबसे बड़ा लार्जेस्ट, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, तो 728 है आपका। क्लियर है वाला क्वेश्चन? आई जस्ट होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कीजिए, उसके बाद 50 ऑड पोजीशन में ऐड कीजिए एंड 50 इवन पोजीशन में माइनस कीजिए, उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसमें थर्ड लार्जेस्ट आपको चूज़ करना है। क्लियर है वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइव क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि 678 786 837 385 483, फॉर हाउ मैनी ऑफ द गिवन नंबर्स इज़ द सम ऑफ द डिजिट ग्रेटर देन 21, यानी कि इन डिजिट्स का अगर आप सम करते हैं तो कितने नंबर 20 के बाहर जा रहे हैं। ईजी है वाला क्वेश्चन भी, 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, ये 5 एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है इन क्वेश्चंस में। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ईजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए गए, 678 यानी कि 678 ये नंबर दिया गया, इनको अगर आप प्लस कर देंगे आपस में तो आपका 21 आएगा। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया 786, इसको भी आपस में सबको तीनों नंबर को प्लस कर दीजिए तो भी आपका 21 आएगा। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है 837, 837 को अगर आप आपस में प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18। एंड फोर्थ नंबर पर आपको दिया गया था 385, इसको अगर आप आपस में प्लस कर देंगे 385 को तो 16 आएगा आपका। एंड उसके बाद 483 नंबर दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको आपस में प्लस कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था सम करने पर कितने नंबर्स ग्रेटर देन 20 हैं, यानी कि 20 से बाहर हैं, 1 2, ओनली 2 नंबर्स, बाकी सब 20 से कम है, 18 है, 16 है, 15 है, 20 से कम है, सिर्फ ग्रेटर देन 22 नंबर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला। तो इसमें भी आप क्लियरली बता सकते हैं 2 नंबर्स ग्रेटर देन 20 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आई जस्ट होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सिर्फ 2 नंबर्स ग्रेटर देन 20 हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये थे रीजनिंग के सेट ऑफ 5 नंबर्स के क्वेश्चंस जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए हैं। अभी भी इस क्लर्क से रिलेटेड जितनी भी आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो मैं अपनी इस चैनल पर पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको वीडियो अपलोड करने की, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारीज हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। इन क्वेश्चंस का आप सेट निकाल सकते हैं गूगल पर सर्च करके, ज़रूर निकालिएगा। टेस्ट सीरीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ भी गूगल पर काफ़ी अपलोडेड हैं, अच्छे अच्छे बैंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी, रिलेटेड जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे गूगल पर अपलोड किए गए हैं। आप टाइप करके सर्च मार के पूरी इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके अच्छे से मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में, फ्लोर बेस्ड में, एलिमेंट में एंड ये सेट ऑफ 5 नंबर्स में, इनमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए, आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे एंड आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर
इग्नोर कर पाएंगे, रीजनिंग क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस की आप ज़रूर लिस्ट निकाल लीजिएगा गूगल पर एंड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के अपने कॉन्टैक्ट्स पर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ओरिजिनल एडुकेशन चैनल, ताकि मैं ऐसे ही नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और भी बनाती रहूँ फ्यूचर में। एंड आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे किस मेथड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करनी है और मुझे आगे आने वाले दिनों में भी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। आपको बहुत हेल्प मिलती है, मुझे पता चलना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।